जीतने लगा था जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो नगर पंचायत है राजनीतिक कस्बा है, और इसमें जब से नगर निकाय के चुनाव होने शुरू हुए हैं उसके बाद से कई लोगों ने यह जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया और हम लोगों ने कस्बे में अपने हिसाब से काम किया। जिस तरीके से हमने काम किया है तो हमने सर्व समाज के लिए हर तरीके की कोशिश की है कि हर आदमी हमसे खुश रहे और उसे खुशहाली की ज़िंदगी जीने का मौका मिले। तालीम के ऊपर हमने जोर दिया, यहाँ हमने भाईचारे के ऊपर जोर दिया, सफाई के ऊपर जोर दिया, यानी जो भी आम समस्याएं उन्हें दूर करने की कोशिश की, चाहे वो तालाब, चाहे वो चिवानों से संबंधित हो, चाहे वो कब्रिस्तान से संबंधित हो, चाहे वो एम्बुलेंस से संबंधित हो, चाहे मुर्दा गाड़ी से संबंधित हो, वो सारी सुविधाएं हमने देने की कोशिश की और वो उपलब्ध भी कराई हैं। तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से हमने कस्बे में तरक्की का काम किया है या कस्बे की खुशहाली के लिए काम किया, उससे जनता हमसे खुश है और आज फिर दोबारा से हमने जिस तरह से पिछले 5 साल बीते हैं आपके, तो कुछ ऐसा भी रहा कि ये और करते हम, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 साल में 2 साल लॉकडाउन में, यहाँ कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमने कोशिश की कि हम स्वयं भी अपने पास से भी कराएं, लेकिन इतनी बड़ी समस्याएं हैं कोई सरकार के बिना नहीं हो पाती। तो उसके बाद हमने कोशिश की है और सरकार ने भी पूरी तरीके से हमारी बात मानी है, और जो कुछ इस तरीके की समस्याएं हैं जो सामूहिक तौर पर काफ़ी लोग परेशान हैं उन समस्याओं से, तो उनका सरकार के माध्यम से हम पूरी तरीके से निस्तारण करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्दी इस काम। जनता ने आपको 5 साल के लिए मौका दिया है, तो इसमें कुछ क्या खास करना चाहते हैं? देखिए, इसमें एक तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को रोज़गार मिले, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ हम चाहेंगे कि यहाँ हर बच्चे को शिक्षा मिले। शिक्षा का हमने खुद भी अपने भी दायरे कायम किए हैं शिक्षा से संबंधित, और हमारे जो साथी हैं उनसे भी हमने काफ़ी जोर दे देकर कहा है कि बच्चों को तालीम, और यही वजह है आज हमारे कस्बे के अंदर 23,000 बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। छोटी छोटी नर्सरियां हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं, इंटर स्कूल हैं, और हमारे कस्बे के अंदर 23,000 बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। छोटी छोटी नर्सरियां हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं, इंटर स्कूल हैं और डिग्री स्कूल हैं, सब कुछ जो है ज़्यादातर हमसे मुतालिक लोगों पर, शिक्षा पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। तो इन सारी समस्याओं का हम समाधान, हमारा पहला कदम होगा कि यहाँ का हर व्यक्ति खुशहाल हो और उसको अच्छी ज़िंदगी मिले, उसके बच्चों को रोज़गार मिले, उसके बच्चों को शिक्षा मिले और वो खुशहाली की ज़िंदगी जिए। अच्छा, अब जनता ने ये मौका दिया है तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी परेशानी है कस्बे से संबंधित, हम उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं या जो जटिल समस्याएं हैं, उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बस कस्बे की, अपने इस कस्बे की जनता का जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही हमारे लिए कम है, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छी तरीके से नवाजती है। पहली बार भी हम लगभग 2300 वोटों से जीते थे, आज भी 2600 वोटों के करीब जीते हैं, तो हम तो सबका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया।